हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी चैनल से एक वीडियो। 2 मिलियन व्यूज है यार इस पर, 2 वीक्स पहले आई हुई है ये। खली और खान बाबा कौन जीतेगा? द ग्रेट खली वर्सेस खान बाबा, बॉडी बिल्डर अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी। ओके, तो खली एंड खान बाबा। खान बाबा वैसे खली को बहुत टाइम से खली सर को चैलेंज कर रहा है वो, ठीक है। और देखते हैं भैया कौन जीतता है इनमें से। वैसे आंसर हम सभी को पता है, इवन सबको पता है, खुद खान बाबा को भी पता होगा, लेकिन फिर भी चलो यार ये वीडियो देखते हैं और पता करते हैं लास्ट में कौन जीतता है। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ये खली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेज। एक तरफ हमारे भारत के द ग्रेट खली और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हल्क। हाल ही में पाकिस्तान के देशी हल्क ने एक वीडियो मैसेज के जरिए द ग्रेट खली को चैलेंज कर दिया कि दम हो तो उसके साथ कुश्ती का एक मैच लड़कर देख ले। जिसके बाद हर जगह ये चर्चा होने लगी कि अगर पाकिस्तान का हल्क और भारत का द ग्रेट खली एक दूसरे से लड़े तो जीत किसकी होगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के कंपैरिजन के बारे में बताने वाले हैं। जहां होंगे एक तरफ हमारे द ग्रेट खली, जो अपने एक ही बार में अंडरटेकर जैसे खिलाड़ी को चित कर दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हल्क, जो अपनी एक उंगली से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींच देते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी पैदा कहाँ हुए, इनकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे द ग्रेट खली की, जिन्होंने अपने भारी भरकम शरीर की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। दोस्तों, द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है और वो WWE में जाने से पहले पंजाब पुलिस में काम किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हल्क बताते हैं वो पैदाइशी किसी के द्वारा सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, यानी पाकिस्तान के उस पहलवान ने अपने से ही खुद को पहलवान घोषित कर दिया। दोस्तों, आप बात करें द ग्रेट खली की तो आपको बता दें इनकी लंबाई चौड़ाई के पीछे एक बड़ा अलग कारण है। दोस्तों, हमारे दिमाग में ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है कि हमारा कौन सा अंग कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। लेकिन कभी कभी किसी की बीमारी की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन कम या ज्यादा बहने लगते हैं और इसी वजह से इंसान के शरीर का आकार जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है। द ग्रेट खली के साथ यही हुआ था। उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में हुई गड़बड़ी की वजह से द ग्रेट खली की लंबाई लगातार बढ़ती चली गई और वो 7 फीट से भी ज्यादा हो गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खान बाबा की बात करें तो खान बाबा के शरीर का वजन 440 किलो से ज्यादा हो गया और खान बाबा बताते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं है बल्कि वो अधिक से अधिक खाना खाकर अपने वजन को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के खान बाबा बताते हैं कि उनके 440 किलो भारी वजन होने के कारण उन्हें दुनिया के सबसे भारी इंसान होने का खिताब भी मिल चुका है। खान बाबा बताते हैं कि जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी उसी वक्त उनका वजन 115 किलो से ज्यादा हो गया था और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी उनके शरीर का आकार लगातार बढ़ता चला गया। खान बाबा बताते हैं कि वो आज भी लगातार अधिक से अधिक मात्रा में खाना खाते हैं ताकि उनका वजन और अधिक बढ़ जाए। अब बात जब खाने पीने की हो गई है तो क्यों ना दोनों ही पहलवानों के खाने पीने की चीजों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात अपने द ग्रेट खली की करें तो हमारे खली साहब नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा ध्यान वेजिटेरियन खाने पर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खान बाबा बताते हैं वो एक दिन में 4 से 5 मुर्गे खा जाते हैं। खान बाबा बताते हैं वो अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए हर दिन 10,000 कैलोरी का सेवन करते हैं। दूसरी तरफ हमारे द ग्रेट खली एक दिन में 12,000 किलो कैलोरी का सेवन करते हैं। द ग्रेट खली अपने 157 किलो के शरीर को मेंटेन रखने के लिए हर दिन सुबह ही भरपेट खाने की शुरुआत कर देते हैं। द ग्रेट खली अपने ब्रेकफास्ट में हर रोज 2 लीटर दूध, 8 अंडे, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट, ढेर सारे फल शामिल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट, पूरा परिवार पेट भर के ब्रेकफास्ट कर सकता है उतना द ग्रेट खली अकेले खाते हैं या शरीर भी तो उनका इतना बड़ा है। बात करें अगर हमारे पड़ोसी देश में रहने वाले खान बाबा की तो खान बाबा बताते हैं कि उनका अपना पेट भरने के लिए हर रोज 4 से 5 मुर्गे, 37 से ज्यादा रोटियां, 2.5 किलो चावल, 36 अंडे, 5 लीटर दूध
और इसके बाद भी 3 से 4 किलो मांस की जरूरत पड़ती है। ओ माय गॉड भैया, इतना बड़ा शरीर है तो जरूरत तो पड़ेगी। हमारे पड़ोसी देश के खान बाबा अपने खाने के जो लिस्ट बता रहे हैं, इतने में तो कोई परिवार एक सप्ताह तक खा लेगा। यार अभी तो आपने द ग्रेट खली के ब्रेकफास्ट के बारे में सुना है, अब बात करते हैं इनके लंच की। तो दोस्तों आपको बता दे, द ग्रेट खली हर रोज अपने लंच के दौरान 1 किलो चिकन, ढेर सारी दाल और सब्जियां, 30 रोटियां, 1 किलो चावल। अब यहाँ पे देखो यार, एक बैलेंस डाइट है, ठीक है। इसके अलावा द ग्रेट खली को डेजर्ट भी हर रोज आधा किलो आइसक्रीम चाहिए होता है। ओ वाओ, द ग्रेट खली हर रोज 10 से 12 कटोरी ब्राउन राइस, चिकन और अंडा, 2 लीटर दूध निपटा डालते हैं। इतना अधिक भोजन होने की वजह से द ग्रेट खली हर रोज 4 से 5 घंटे जिम में भी बिताते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, वो कैलोरीज को बर्न करना भी जरूरी होता है। 4 घंटे जिम के अंदर कसरत करते हुए निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खान बाबा बताते हैं कि उन्हें जिम विम की जरूरत नहीं है। जिम तो बेवकूफ लोग करते हैं। अच्छा। बस दिन भर खाना खाते हैं और 2-3 घंटे कभी ट्रैक्टर को खींचते हैं तो कभी भारी भरकम गाड़ी को, और उससे भी नहीं होता है तो वो अपने आसपास राह चलते हुए लोगों को उठाकर कंधे पर रख लेते हैं, तो कभी दोनों हाथों पर उठाकर तान देते हैं। अब बात आती है इन दोनों ही भारी भरकम इंसानों के करियर की, और इन दोनों पहलवानों ने अब तक किया क्या है। तो दोस्तों ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, द ग्रेट खली WWE के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक रहे। द ग्रेट खली WWE के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने एक ही दांव में अंडरटेकर जैसे पहलवान को नॉकडाउन कर चुके हैं। द ग्रेट खली क्या है और इन्होंने क्या किया है, ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान के खान बाबा की, जिसे पाकिस्तान में द हल्क के नाम से जाना जाता है। खान बाबा कुछ खास तो नहीं किए, लेकिन राह चलते हुए लोगों को अपनी मुट्ठी में सिक्के की तरह मोड़कर दिखा देते हैं। वो बताते हैं उनकी मुट्ठी में इतनी ताकत है कि वो मोटे से मोटे सिक्के को भी मरोड़ देते हैं। okay. दूसरी तरफ द ग्रेट खली की बात करें तो इन्होंने साल 2006 में WWE की दुनिया में कदम रखा था, और साल 2014 में इन्होंने WWE को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन इन्हीं 8 सालों के दौरान इन्होंने 456 मैचों में अपना काम किया। उधर पाकिस्तान के खान बाबा बताते हैं उनको पूरी दुनिया का सबसे भारी भरकम इंसान होने का खिताब मिल चुका है। वो अपनी एक उंगली से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींच देते हैं। सर्टिफिकेट खान बाबा द ग्रेट खली को चैलेंज कर दिए, दम हो तो आए और उससे कुश्ती लड़कर दिखाए। दोस्तों अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के पैसों की बात करें तो ये तो आप जानते हैं WWE में खेलने वाले खिलाड़ियों को कितना ज्यादा पैसा मिलता है, और ऊपर से द ग्रेट खली हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं। कहा जाता है आज के वक्त द ग्रेट खली के पास 400 करोड़ रुपए मौजूद है और इनके महीने की कमाई 700 करोड़ से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ खान बाबा का अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर उनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और उसी YouTube चैनल पर वो अपना ऊटपटांग वीडियोस अपलोड करते हैं। कहा जाता है उन वीडियो की मदद से खान बाबा हर महीने 27 लाख की कमाई कर लेते हैं। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, अगर इन दोनों पहलवानों की आपस में भिड़ंत करा दें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें द ग्रेट खली बड़े बड़े रेसलिंग गेम में बड़े बड़े शूर वीरों के साथ लड़ चुके हैं, उन्हें एक से बढ़कर एक दांव आते हैं। सही बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के द हल्क सिर्फ YouTube चैनल पर ऊटपटांग हरकतें करते हुए नजर आते हैं, और उससे भी ज्यादा बुरी बात तो यह है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि द हल्क कोई हल्क नहीं बल्कि फर्जी आदमी है, क्योंकि अपने शरीर के ऊपर एक नकली कॉस्ट्यूम लगाकर अपने शरीर को भारी भरकम दिखाने की कोशिश करता है। कहा जाता है खान बाबा का शरीर एक आम इंसान की तरह थोड़ा सा लंबा है, अपने शरीर के ऊपर अलग अलग चीजों को लगाकर अपने आप को मोटा तगड़ा दिखाता है और झूठा दावा करता है कि उसका वजन 400 किलो से ज्यादा है। इसी झूठ के दम पर खान बाबा का यूट्यूब चैनल चलता है और लोग उनके वीडियो के मजे लेते हैं, और इसी झूठ के दम पर खान बाबा यूट्यूब चैनल से अपनी कमाई करते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे खान बाबा के शरीर पर दिख रहा मोटा तगड़ा मसल हिल रहा है। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम पहना है। ये भी कहा जाता है कि खान बाबा सिर्फ झूठा दावा करते हैं कि उन्हें सबसे भारी इंसान होने का खिताब मिल चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में और ना ही वेबसाइट पर खान बाबा का कहीं जिक्र मिलता है। ये वजह है कि जब खान बाबा ने द ग्रेट खली को चैलेंज किया तब द ग्रेट खली ने खान बाबा को बड़े प्यार से रिप्लाई किया, खान बाबा लगा रहे बेटे अपना वेट थोड़ा कम कर, कि खान बाबा थोड़ा मेहनत करो और अपने मोटापे पर ध्यान दो, तुम्हारा तोन बहुत ज्यादा निकल गया है।
खैर पाकिस्तान के खान बाबा के बारे में आपका क्या कहना है, वो असली है या नकली, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। यहाँ पे ये वीडियो खत्म। वाओ। खैर यार देखो, अभी यहाँ पे जैसा कि टाइटल था, मैं टाइटल पर बात करूं पहले, तो खान बाबा और खली, द ग्रेट खली को अगर लड़ा दिया जाए, अगर आपस में उनकी एक मैच हो, रेसलिंग मैच हो, तो कौन जीतेगा? देखो सबसे पहले तो कुश्ती का सबसे बड़ा नियम है कि सिर्फ तुम्हारा वजन ज़्यादा होने से तुम लड़ाई जीत नहीं सकते, है ना, कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है या तुम ताकतवर ज़्यादा हो। अगर तुम ताकतवर भी हो तब भी यार प्रकृति का एक छोटा सा नियम यहाँ पर लागू होता है कि हमेशा मैच जो होता है बुद्धि से जीता जाता है, ठीक है। कोई भी लड़ाई हो वो बुद्धि से जितना जीती जा सकती है, अपने दांव पेच से जितनी जीती जा सकती है, आपकी ताकत वहाँ पर थोड़ी कम आ जाती है। कभी आप लोग ने शायद देखा होगा एक बड़े से पत्थर को उठाने के लिए लकड़ी के पतरे से, मतलब एक लकड़ी होती है, ठीक है, पतला सा लकड़ा, ठीक है, उसको एक छोटे पत्थर के रख के और यूं करके उठा लिया जाता है, लीवर बोलते हैं उसे, लीवर, ठीक है, ऐसे उठा दिया जाता है। तो वो इतना बड़ा सा पत्थर उस मामूली सी लकड़ी से उठा लिया जाता है, और एक छोटे से पत्थर की मदद से। तो यहाँ पर हमें एक एनर्जी का, वो ताकत का एक बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है कि जब आपकी डाइट बैलेंस है, आप रोज जिम कर रहे हैं, आपको अच्छे खासे दांव पेच आते हैं रेसलिंग मैच के, ठीक है, द ग्रेट खली के बारे में बात कर रही हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद अगर लड़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता यार खान बाबा अपने भारी भरगम इतने शरीर के साथ, जिन्हें ना कोई दांव पेच आता है, ना ही वो कोई मतलब ऐसा कोई उनके अंदर स्टैमिना भी ऐसा नहीं है, सच बताऊं तो स्टैमिना भी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो दिनों भर बैठ कर ठूंसते रहते हैं, खाना वगैरह खाते रहते हैं, और कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन उनके यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस पड़ी हैं, जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो जब वो गाड़ियां खींच रहे हैं, वो जो दिखाते हैं कि हाँ वो गाड़ियां खींच रहे हैं, एक हाथ से दो दो गाड़ियां खींच रहे हैं, तो उनकी रस्सी तक सीधी नहीं होती है। कितना फेक वीडियो होता है वो, इवन पाकिस्तान वाले लोग भी, सब लोग जानते हैं वहाँ के कि हाँ ये आदमी एक नंबर का फर्जी इंसान है, ठीक है, मतलब कोई बस केवल दूसरों को गाली देते रहो, भारत को ललकारते रहो, फालतू में बुरा बोलते रहो, दो देशों के बीच में लड़ाई करवाते रहो, ठीक है, भड़काते रहो एक दूसरे को, और बस इसी से तुम्हारा चलता रहेगा। वो इसीलिए व्यू आते हैं उनकी वीडियोस पर, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ आते हैं, और महीने का 27 लाख वो कमा लेते हैं। उनका तो खर्चा चल ही रहा है आराम से, वो खा रहे हैं, उनके जो दिन में वो 4-5 मुर्गे बेचारे शहीद हो जाते हैं उनके पीछे, ठीक है, और मतलब इतना सारा वो गोश्त मांस खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है वो इतने पैसे में? वो ये तो भैया 4 बार मंगा के खा सकते हैं ऐसा। और वहीं अगर खली की डाइट देखो तो आप, वो उनसे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, 12,000 कैलोरीज लेते हैं द ग्रेट खली, एंड वो भी बैलेंस डाइट के अंदर, ठीक है, और साथ साथ में जिम भी करते हैं, तो उनकी जितनी भी वो कैलोरीज लेते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से बर्न होती हैं, और वो मसल्स में वो कैलोरीज यूज़ होती हैं, ना कि केवल चर्बी बढ़ाने के कारण काम आती हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, मैंने पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स कई सारे देखे हैं, ठीक है, वो लोग भी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये इंसान महाफर्जी है, ठीक है, और अपने बॉडी पर कॉस्ट्यूम वगैरह लगाते हैं। ये वीडियोस में भी देखा था भैया, उनका बाइसेप्स वो यूं ऐसे हिल रहा है, जबकि बाइसेप्स हम लोग जानते हैं कि वो बाइसेप्स अगर मूव भी करते हैं तो वो अप डाउन के स्टेज में होता है, ठीक है, तो वैसे कर रहा है भाई। कितना फेक दिखाओगे, कितना फेक दिखाओगे? सो यहाँ पे क्लियरली आंसर, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग क्लियरली आंसर जानते हैं कि कौन जीतेगा, तो ऑब्वियसली यार मेरे हिसाब से खान बाबा बिल्कुल भी जीत नहीं सकते द ग्रेट खली से, ठीक है। द ग्रेट खली चैंपियन थे, चैंपियन हैं, और वो चैंपियन ही रहेंगे। एंड द ग्रेट खली का मैसेज भी बहुत प्यारा था खान बाबा के लिए, मतलब कोई बंदा तो तुम्हें सामने से गाली देकर उकसा रहा है, गाली दे रहा है, एंड बार बार भड़का रहा है कि आओ, हाँ मेरे से दम हो तो मुझसे
लड़कर दिखाओ एंड वो बंदा तुम्हें बच्चा समझकर माफ कर रहा है। ऑब्वियसली उनके सामने वो बच्चे ही हैं क्योंकि द ग्रेट खली एज में भी बहुत ज़्यादा हैं और ये अभी महज 27-28 साल का, मतलब 30 साल का नौजवान इंसान है, ठीक है। तो इन्हें अपनी डाइट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें तो थोड़ा से शायद शेप में आ सकते हैं ये अच्छी खासी, है ना। तो और अभी तो इनके पास एज भी है इतनी कि ये कर सकते हैं। एज निकल गई तो भाई वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। जो ये इतना सारा खाते हैं ना, ये शरीर इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक एज होती है, एक लिमिट होती है खाना खाने की भी। सो आई होप यार रिएक्शन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।